शब्द समाज गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट में शनिवार को कार्यक्रम गुफ्तगू में प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार और बहुत चर्चित धारावाहिक चंद्रकांता में यक्कू के नाम से जाने जाने वाले अखिलेंद्र मिश्रा ने शिरकत किया। कार्यक्रम में साहित्य पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज के पाठ्यक्रम में साहित्यकारों की उपेक्षा हो रही है। पाठ्यक्रम में साहित्यकार गायब हो चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जैसी साहित्यकार विषय सूची से गायब हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि साहित्यकारों की उपेक्षा हो रही है। यही कारण है कि समाज गर्त में जा रहा है। इस दौरान दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उन्होंने बाखूबी दिया। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के आयोजक को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बॉलीवुड स्टार अखिलेंद्र मिश्रा ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता परवीन कुशवाहा से खास बातचीत में कहा। साहित्य गायब है। सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंत प्रसाद, निराला महादेवी, बच्चन, दिनकर नहीं बोल रहा हूं, इस सर्वे की बात बता रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार विषय सूची से गायब है। मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार, कमाल की बात सुनाता हूं, मुंबई में किसी ने सीरियल जमा किया मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पे किसी चैनल में, तो वहां मुंशी प्रेमचंद का ही बायोडाटा बन गया। भाई मेरे सीरियल का क्या हुआ, मैंने जमा किया था। कहा कि लेकिन आपने तो राइटर का बायोडाटा दिया नहीं। कहा लेकिन राइटर तो प्रेमचंद है। कहा सो व्हाट, कोई भी है, आपको बायोडाटा देना पड़ेगा। कमाल है, है? हंसने की बात नहीं है, शर्म करने की बात है दोस्तों। चिंता का विषय है, चिंतनीय है, और यही कारण है कि समाज किस गर्त में जा रहा है। एक बात और बता दूं, पाकिस्तान का साहित्य मुंशी प्रेमचंद के बिना अधूरा है। आपको पता है चौथी क्लास से बारहवीं क्लास तक 100 में से 20 नंबर का प्रश्न जो है अनिवार्य है प्रेमचंद के उन्माद पे। पता कर लीजिएगा आप लोग, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा। और यहां क्या हो रहा है, यहां तो कमाल है। जिन हिंदी फिल्मों ने को कहा जाता कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया, उसी हिंदी फिल्म ने हिंदी के शब्दकोश को एक संकरी गली मिलाकर खड़ा कर दिया है। हर फिल्म वही शब्दकोश है। कलेक्टर जो भाषा बोलता है वही भाषा पूर्ण भी बोल रहा है, फर्क ही महसूस नहीं है। एक अमीर जो भाषा बोल रहा है वही भाषा गरीब भी बोल रहा है। ऐसे शब्दकोश हो गए हमारी फिल्मों के। कमाल ये है, शब्द का मर्म खत्म हो गया है। हिंदी अब हम रोमन में लिख रहे हैं, अनुस्वार गायब है। अनुस्वार शांत रूपों में नृत्य रूपों नाद संधान, अनुस्वार गायब है। चंद्रबिंदु तो पूछे ही मत कहां गया। रोमन में लिखिएगा हिंदी तो चंद्रबिंदु और अनुस्वार कहां मिलेगा आपको। चंद्रमा साक्षात शिव है, बारात पर शिव, और जो बिंदु है चंद्रमा के ऊपर वो आदि शक्ति भगवती है। उन्होंने लव यात्री लिखा। अब चूंकि रात्रि में हर शिकार है, तो जब उन्होंने यात्री बनाया तो यात्री में भी हर शिकार लिख दिया। और पोस्टर छप के आप लोग पोस्टर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में आया कुछ लोग जिसको जो चिंतित रहते हैं हिंदी बोले के, जैसे मैं रहता हूं, तो पता चला अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट आया उस फिल्म का, उसमें दीर्घकाल कर दिया गया था। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि पोस्टर लगा हुआ देखना जरा कि हर शिकार है दीर्घकाल। ये कमाल है, जिस भाषा की फिल्म बनाते हैं, जिस भाषा से पैसा कमाते हैं, 100 करोड़ क्लब में शामिल होते हैं, मीडिया में फोटो खिंचवाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, टीवी पे आने के लिए, स्टार बनने के लिए, हिंदी बोलने में शर्म आती है।
कंट्रीब्यूशन दे के जाऊंगा भाई, अगले साल से साहित्य महोत्सव अगर नाम रखा जाए मेरा। गोरखपुर एक मिसाल कायम करेगी हिंदी को आगे बढ़ाने में। मैं यही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर रजनीकांत जी का, जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया। शायद वो नहीं मुझे बोलते तो मैं शायद नहीं यहाँ पहुँचता, आप लोगों के सामने लिखता हूँ। मैं आया, मेरे मित्र सुशील राजपाल का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे डॉक्टर रजनीकांत से मिलवाया, जो मेरे डायरेक्टर, मेरे फिल्म के अंतर्बंध के राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जो आपके गोरखपुर से ही है, सुशील राजपाल जी। मैं धन्यवाद करूंगा गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल को, जिन्होंने मुझे बुलाया। कलाकार जो होता है एक साधक, एक योगी, जो कहीं कहीं उसकी साधना से दूसरे पात्र में जाने के लिए जो अंदर की गहराई को छूने का एक जो माध्यम है कलाकार का, शायद इतनी गहरी सोच एक कलाकार ही वो कर सकता है। हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि हम बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। लेकिन अभी से क्या सुन रहे वो तो यक्कू वाला डायलॉग था, लेकिन आपकी बातें सुन के ऐसा लगा अगर मैं वो डायलॉग बोलने के लिए कहूँगा तो निसंदेह ये अपमान होगा आपका, और हमारे जो साहित्य है उसका अपमान होगा। मैं खुद एक साहित्यकार, अदमा से साहित्यकार कविताएं लिखता हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक तो मंझे हुए अभिनेता हैं, आपने जो भी अदाकारी की है और जो भी किरदार निभाए हैं उससे या तो प्यार हुआ या तो नफरत हुई है, यानी कि उसमें आपने डूब के दिया है, तो आप साहित्य और अभिनय में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? इतनी गहन जानकारी एक साहित्यकार को ही हो सकती है साहित्य के बारे में। कुछ नहीं जानता इसीलिए प्रश्न आया है कि भैया ये एक्टर है, ये सब कैसे बोल रहा है। एक्टर को तो जिंदगी पढ़नी है, जितना पढ़ेगा उतना कम है। और मैं जब थिएटर में था, थिएटर करता रहता था, अभी भी थिएटर में हूँ, इप्टा मुंबई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब थिएटर रिग्रेस करता था, 24 घंटे हम थिएटर में ही थे, तो बहुत कुछ पढ़ना छूट गया था। नाटक ही कर रहे थे, और फिर जब टेलीविजन शुरू हुआ और फिर फिल्मों का संघर्ष शुरू हुआ, तो बिल्कुल ही हम अनपढ़ हो गए थे, मतलब पढ़ते ही नहीं थे कुछ भी साहित्य का, तो बहुत कुछ छूट गया, क्योंकि उस समय पॉकेट में पैसा भी नहीं होता था, पैदल ही चलते थे। सो वो मैं पढ़ अब रहा हूँ, अब वो पढ़ाई शुरू हो गया, वो कुछ भी छूट गया, क्योंकि जीवन में जितना अध्ययन कीजिए उतना कम है। ये बहुत विशाल अनंत सृष्टि है, इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हम जो रोल करते हैं वो तो कुछ नहीं है, और हमारे यहां रोल लिखे कहां जाते हैं? हमारे यहां रोल अब लिखे का कहां प्रयोग हो रहा है कि एक्टर को काम करना पड़े, मन लगा के कोई कैरेक्टर की जर्नी जिए, यात्रा करे कैरेक्टर की, उसको करने में अभिनय की, यह हो कहां रहा है सिनेमा में कि वो पढ़ना पड़े उसको, उस कैरेक्टर के लिए उस कैरेक्टर में भी गहराई क्रिएट की जाए। अभी तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलना जानते हो ना एक्टर, अभी एक क्राइटेरिया है। एक एक महीने वाला एक्टिंग स्कूल शुरू हो गया है, एक महीने में एक्टिंग सीख लो, तीन महीने में एक्टिंग सीख लो, अभी ऐसा कुछ शुरू हो गया है, तो बच्चे कहां पढ़ेंगे? एक एक्टर को साहित्य से जुड़ना बहुत जरूरी है। अभिनय और साहित्य दोनों एक दूसरे का पूरक है, सारे चरित्र वहीं से तो मिलते हैं। आप कहानियां पढ़िए, वहां से आपको चरित्र मिलेंगे, आप उपन्यास पढ़िए, वहां से चरित्र मिलेंगे, आप पौराणिक कथाएं पढ़िए, वहां से चरित्र मिलेंगे, आप आधुनिक साहित्य पढ़िए, पौराणिक पढ़िए, आपको सारे चरित्र मिलेंगे, आप कविताएं पढ़िए, आपकी
क्लियर होगी, आपका डायलॉग डिलीवरी अच्छा होगा, आप उसका रिदम जानेंगे, उसका ताल क्या है, उसका सुर क्या है, उसका गमक क्या है, उसका संगीत क्या है, उस डायलॉग का संगीत सिर्फ गाने में नहीं होता भाई, डायलॉग में भी होता है, डायलॉग का भी अपना एक रिदम है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए सफलता क्या है ये अलग अलग ढंग से अलग अलग व्यक्ति के लिए परिभाषित होता है। क्रिएटर है वास्तव में जो साहित्य है वो थिएटर। भगवान ने गीता में कहा था, क्योंकि आप गोरखपुर की धरती पर हैं और गीता का श्लोक आपको ना सुनाया जाए तो शायद आपको भी बुरा लग सकता है। भगवान ने कहा था अर्जुन को समझाते हुए कि पौनः पौताम अस्म राम शस्त्र वृताम झसाराम मकरश्चास स्रोत साम अस्म ज्ञान रवि सर्गा रामादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुनम आध्यात्म विद्या विद्या हम ज्ञानम प्रवदतामहम। भगवान ने अस्पष्ट जो उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या मैं हूँ स्वयं। फिर आगे उन्होंने कहा, जब सवाल पूछा अर्जुन ने एक बार की तद ब्रह्म किम कर्म किम किम कर्म पुरुषोत्तमम, तो उन्होंने कहा कि अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उचते, यानी स्वभाव को ही उन्होंने अध्यात्म बताया। तो धर्म साहित्य और अध्यात्म ये क्या है, इस पर सर आप समय जानना चाहते हैं। यह जो है बहुत ही वंदनीय विषय आपने उठा लिया है और इस विषय में घंटों नहीं तीनों चर्चा हो सकती है और आप बहुत ज्यादा इच्छुक होंगे तो मुझसे बाद में मिलिए, मैं देखता हूँ आपको तो। बाद में मिलेगा, हम बात करेंगे। सो जी कि मैंने बाइबल का भी जिक्र किया, कुरान का भी किया, गुरु ग्रंथ साहब का भी किया, गीता का भी किया, महाभारत का भी किया, सब में साहित्य है और साहित्य के कारण ही सारे धर्म का जो आधारभूत तत्व है वो एक है। आपने शायद ढंग से सुना नहीं, भगवान का नाम लिया, भगवान वहां धर्म थी, मैंने नाम लिया, उन पर ईसाई धर्म का प्रभाव होते हुए भी वो बहुत बड़े साहित्यकार थे। कोई कितने ऐसे साहित्यकार हैं जो धर्म को नहीं मानते, कितने ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं मैं नास्तिक हूं, लेकिन जब साहित्यकार लिखता है, जब लिखता है तो उसके अपने कोई अपने एक विचार जरूर होते हैं। बस चलोए रशियन राइटर है, उनकी कहानी पढ़िए अपराध और दंड, उनका नायक स्वयं रियलाइज करता है अंत में कहानी के कि मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है। ये क्या है, ये अध्यात्म है, ये धर्म है। मनुष्य को अपने आप स्वयं रियलाइजेशन होना ही तो अध्यात्म है, वही तो धर्म है जो समाज में आज के डेट में लुप्त है। जो मैं बात करना चाह रहा था कि वो चीजें लुप्त हो गई हैं, वो गायब हो गई हैं, वो है ही नहीं, इसीलिए इतना दुष्कर्म दुर्व्यवहार अत्याचार बलात्कार आत्महत्या, वो चीजें गायब हो गई ना, अध्यात्म गायब है, उसका कारण है साहित्य। तो साहित्य हर दोहा हर साक्षी है, हर श्लोक हर आयत हर कलमा का सबने अपने अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन निकाल के अपने अपने संप्रदाय को कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसका जो असली मर्म है वो गायब है। आधा साहित्य बताते हैं कि इस दोहे में ये चीज है। ठीक उसी तरह संविधान में, संविधान में कितने ऐसे अनुच्छेद हैं, इस अनुच्छेद का जो असली मर्म है वो गायब है, सिर्फ ऊपर का साहित्य बताया जाता है, जैसे आरक्षण
चालू कर दिया। उन्होंने कहा था, उन्होंने आगे क्या कहा था नहीं बताया। जैसे अभिव्यक्ति बच्चे चिल्ला रहे अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन कितनी, कब, कैसे, किस परिस्थिति में, किस मर्यादा में, ये नहीं बताया जाता। इस तरह से हर जगह क्या किया गया है, एक्चुअल साहित्य है उसका, एक्चुअल अर्थ है उसका, वो गायब कर दिया गया है। और ऊपर से का जो अपने स्वार्थ के हिसाब से जो माने हैं वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ये काम वर्षों से होता चला रहा है, तभी तो आज पीढ़ियां बदल गई। नई पीढ़ियों को पता ही नहीं है कई चीजें, और घृणा करने लगती है ऐसी बातें करने से कि क्या बात करते हैं आप तक क्या दूसरे। नई पीढ़ी ऐसे गुमराह हो गए, उनको रास्ते बनाना पड़ेगा। और एक नहीं, दस दस साहित्य महोत्सव करना पड़ेगा गोरखपुर जैसे शहरों में। एक महोत्सव करके भूल जाने वाली बात थोड़ी है। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे टीम को जिनका इनिशिएटिव है गोरखपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें हो रही हैं और आप नई पीढ़ी की है। मैं आपको, आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने ऐसा प्रश्न उठाया, आपने उठाया, आपने उठाया। धन्यवाद। इतने बड़े जादूगर के सामने किन शब्दों में आभार व्यक्त किया जाए, ये मेरी समझ में है। कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा था कि लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन साहित्य कहाँ है, फिल्म पर सत्र है, नाटक पर सत्र है, युवाओं पर सत्र है। मेरा ख्याल है उनको अपना जवाब बखूबी मिल गया होगा। किसी विद्यावाचस्पति से भी ज्यादा गंभीर के साथ और विद्वता के साथ उन्होंने इतने जटिल विषय पर इतने सरल ढंग से अपनी बात कही है। मैं समझता हूँ मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तालियां उनके लिए आभार ज्यादा बेहतर। अगला सत्र शुरू होने को है पर मैं एक मिनट में आयोजकीय दायित्व जरूर निभाना चाहता हूँ। एक बहुत जरूरी बात की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षण अभिनंदन जी ने किया था कि ये गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल क्यों है, ये साहित्य उत्सव क्यों नहीं है। पूरी विनम्रता के साथ और उनकी उस भावनाओं को आदेश समझते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ। आयोजन के पहले साल में ये गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल था। अगर आप देखें तो आपको बैकड्रॉप में और बाकी और जगहों पर गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल से ऊपर शब्द संवाद प्रतिष्ठित दिखाई देगा। और वादा करता हूँ कि अगली बार और प्रतिष्ठा के साथ दिखाई देगा और तब आपको गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल नहीं दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरक्षनाथ जी की धरती पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कभी इस धरा पे आपका ये हमारे शहर का टेरेकोटा से बना हुआ स्मृति चिन्ह जिसे देखकर हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल महोत्सव में हम आए हैं। बहुत खुशी है हमको कि इस तरह का आयोजन हो रहा है गोरखपुर में। बहुत ज़रूरत है इस वक्त नई पीढ़ी को साहित्य से परिचित करवाना, क्योंकि साहित्य धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कमाई के लिए ही पढ़ रहे हैं, साहित्य से कोई लेना देना है नहीं। साहित्य से अगर संबंध हो जाए तो जीवन जीने की कला सीख पाएंगे वो। तो मैं बधाई देता हूँ कि गोरखपुर में इस तरह का साहित्य उत्सव हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है।